नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। काफ़ी समय से मतलब पिछले लगभग काफ़ी समय कहना गलत हो जाएगा पिछले कुछ समय से कुछ महीने से हम लोग IRCTC की ID बेच रहे हैं। और मैंने आप सभी को कहा था कि एक मैं फर्स्ट पार्टी पोर्टल आपको देने जा रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको सीधा सीधा लॉगिन जो है वो IRCTC की साइट में ही होगा, किसी भी साइट में भैया नहीं होगा। इसका लॉगिन आप सीधे IRCTC की साइट में कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने बोला था, बहुत लोगों का सवाल था ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, किस पोर्टल पे लॉगिन होगा। तो भैया जी, सर जी, मैंने बोला था कि मैं खुद ही एक आईडी बना लेता हूँ ना, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक आईडी बना लेता हूँ, फिर आपको बोला था कि एक आईडी जो बहुत जल्दी बना रहा हूँ, और मैंने आईडी जो है वो बना लिया है। उसे मैंने कल एक टिकट करके भी देखा है, ठीक है। सो चलिए आज मैं आप सभी को दिखाता हूँ लॉगिन कहाँ होता है। लॉगिन वैसे के लिए आप देख पा रहे हैं कि IRCTC.co.in एंड गेट ट्रेन सर्च, ठीक है। ये जो साइट है, इस पे जैसे आप जाएंगे या फिर .co.in साइट में जाएंगे, आपको लॉगिन वाला ये बटन आपको दिखेगा। और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे यूज़र आईडी बिठाने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे बोलेगा कि भाई अपना पासवर्ड बिठाओ, ठीक है। और फिर कैप्चा के लिए बोलेगा, कैप्चा मैं एक बार लॉगिन हुई तो OTP कर देता हूँ, ठीक है, कैप्चा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे लॉगिन हुई तो OTP करता हूँ, तो OTP साइन इन पे करता हूँ क्लिक। साइन इन पे क्लिक करते मेरा रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से मैंने रजिस्टर किया उस नंबर पे एक OTP जाएगा, 18 72, और फिर क्या हो गया, OTP कहाँ चला गया, 18 72 63, ठीक है, 1872 63 OTP गया। सबमिट OTP कोड जैसे मैंने डाला, मेरा लॉगिन जो यहाँ पे हो गया है। हमारे ऑफिस के सुशांत के नाम से ये आईडी है, तो आप देख ही सकते हैं, दिख रहा है वेलकम टू सुशांत शाह, ठीक है, ठीक है ना, लॉगिन हो गया है। और मैंने कल एक टिकट यहाँ पे बुक किया था, जो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू डिटेल्स पे कि लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे क्लिक करता हूँ तो जो टिकट मैंने कल यहाँ पे बुक किया था, वो ऐसे ही मैंने टिकट बुक किया था अगरतला टू धर्मनगर के लिए, ठीक है, जो मैं आज गया नहीं, 170 रुपये मेरा काटा। कैसे एक्चुअली चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये टिकट काटा था, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी मतलब अपना टिकट जो है वो कट सकता है। और मैं फिर से एक बार होम बटन में होम पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे छोटा सा होम बटन है, यहाँ पे क्लिक करते मैं फिर से पुराना पेज पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। अगर आपको भी मतलब इस तरह का एजेंट आईडी लेना है, तो आप तो संपर्क कर ही सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, उनका ऐप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगरतला टू धर्मनगर या फिर अगरतला टू हावड़ा जंक्शन भी क्लिक करता हूँ, और 27 आज ही है, तो 28 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑल क्लास के लिए करता हूँ, और सर्च बटन में क्लिक करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे बुधवार को मतलब कल एक ट्रेन जाएगा इधर से, ठीक है, और अगरतला CKOAS स्पेशल, कोलकाता स्पेशल होगा शायद कुछ, ठीक है, ट्रेन शेड्यूल सब कुछ बुधवार 7:30 है सुबह। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे अवेलेबल सीट है कि नहीं वो दिखाई देगा। सीट का प्राइसेस जो है वो 2030 रुपया है, इकोनॉमी 3 DR AC में, बस उतना ही अभी बाकी है। तो अगर आपको बुक करना है 27 को 28 को, तो आप सिलेक्ट कीजिए और बुक नाउ पे कर दीजिए क्लिक। अगर फिर अगले जो है वो 5 जुलाई को जाएगा, फिर 12 जुलाई को जाएगा, फिर 19 जुलाई को जाएगा, फिर 26 जुलाई को जाएगा, फिर 2 अगस्त को जाएगा। आपको कौन सा टिकट बुक करना है, जो भी बुक करना है आप इधर से बुक कर सकते हैं। 28 को बुक करना है तो आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो सीधा आपको पेज पे लेके जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, पैसेंजर का डिटेल आपको डालना है, पैसेंजर का एज डालना है, पैसेंजर का जेंडर डालना है, ठीक है, प्रेफरेंस डालना है, लोअर मिडिल अपर साइड लोअर जो भी है वो डालना है। और आपके पास और भी पैसेंजर है तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल्स डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स टिकट पे शो करेगा, अदर प्रेफरेंसेस रिजर्वेशन चॉइसेस वगैरह है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप पे कर देंगे थ्रू भीम UPI भी आप पे कर सकते हैं, थ्रू जहाँ से मैं आपको ऐप ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे आप पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी, रिवार्ड्स ऑन अदर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ वही एजेंसी का मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, वॉलेट में पैसा रहेगा, तो आपका टिकट तुरंत कट जाएगा। पे थ्रू भीम UPI ये सब करने की ज़रूरत नहीं, और वो भी एकदम से ईजी है,
कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट का प्रोसेस एकदम ही इजी है। मैं फिर भी एक बार पेमेंट का प्रोसेस की अगर बात करूं तो पेमेंट प्रोसेस एकदम ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते तो मैं एक बार डिटेल भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपना डिटेल मैंने भर दिया और नो प्रेफरेंसेस, कोई प्रेफरेंस मेरा सिलेक्ट नहीं करना है मुझे। और फिर आगे अगर मैं चलता हूँ और कंटिन्यू बटन में कर देता हूँ क्लिक, कंटिन्यू बटन में क्लिक करते यहाँ पे एक कैप्चा के लिए बोलेगा, वो ये कैप्चा आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, L3JEME, ठीक है, और कंटिन्यू बटन में आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करते देखिए RDS URL बोल रहे हैं। ठीक है, RDS URL पे अगर पे करना है तो पे इन बुक पे आपको क्लिक करना है, RDS URL पे क्लिक करना होगा। और RDS URL पे क्लिक करते यहाँ पे जो ये जो जगह है यहाँ पे आपका जिस एजेंसी से आपका टिकट मतलब आपके एजेंसी जिस जहाँ से आपका एजेंसी आईडी मिले उस एजेंसी आईडी का यहाँ पे नाम शो करेगा और इसमें क्लिक करना है और पे एंड बुक में क्लिक करना है। जैसे पे एंड बुक में आप क्लिक करेंगे इस तरह की पेज एक आ जाएगा आपके सामने। यूज़र नेम मतलब जिससे आपका आईडी खुला हुआ है जिस मोबाइल नंबर से वहाँ पे, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे बिठाना है, 7005201686 मेरा मोबाइल नंबर है। और जी जैसे जनरेट OTP में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यूज़र नेम ये है, तुम्हारा मर्चेंट आईडी ये है, 2065 रुपये तुमको पे करना है। और जैसे मैं यहाँ पे OTP डाल के कन्फर्म करता हूँ मेरे वॉलेट से पैसा कट जाएगा और टिकट जो है वो जनरेट हो जाएंगे। कुछ यही मॉड्यूल है और इसी मॉड्यूल से यहाँ से टिकट बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी टू वे है आपका टिकट करने के लिए IRCTC की साइड में। अगर आपको